और शायद ये थोड़ी क्विक गेड़ी हो। अबे जग्गी यहाँ से 22 मिनट दिखा रहे हैं भैंस की टांग। ते आगे ट्रिप पे। ओके बाय। शादी होने के बाद ना इसकी बीवी बहुत खुश होगी इससे। भाई ये नीचे आग लग जाएगी। बूम। तो अभी बस फाइनली निकलने वाला हूँ। तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। एंड अभी सबसे पहले निकलते हैं, मैं फिर बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी मुटियार भी चलेंगे। फाइनली मैं अभी यहाँ पे जग्गी सिटी सेंटर पहुँचा हूँ। एंड मैं जिससे मिलने वाला था, मैं वो बताता हूँ कौन है। वो है जतिन परमार, जिसका इंस्टाग्राम हैंडल है द टीन ट्रेवल्स। एंड यहाँ हम उससे मिलने आए हैं आज। एंड अभी मैं उससे मिलवाता भी हूँ आपको। तो अभी बस आने वाला होगा 5-10 मिनट में। तो जिस किसी ने भी अभी टीन ट्रेवल्स के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है, तो नीचे जाके फॉलो कर लो। ये वाला है, इसको फॉलो कर लो जाके। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हो आप। वैसे उसे मेरे फॉलोअर्स की तो ज़रूरत नहीं, उसके पास तो वैसे ही फॉलोअर्स हैं, बट फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो कर सकते हो। एंड वो एक ट्रैवल ब्लॉगर है, तो मतलब बहुत अच्छी दास रील्स पाता है। तो अभी मैं मिलवाता हूँ उससे कौन है वो। गाइस पहले ना यार मैं कार पे आ रहा था, बट फिर बाइक लेके आया, बट फिर रास्ते में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई थी। एंड देखो मुटियार का क्या हाल हुआ है, ये भी भीग गई है, बट कोई बात नहीं। अभी मैं तो सेफली पहुंच गया। एंड बीच में थोड़ी बारिश रुक भी गई थी, तो थोड़ा सूख भी गया हूँ, बट अभी मुटियार गीली है। बट देखते हैं अब आगे कैसे गेड़ी पे चलते हैं। थोड़ा गेड़ी मारने का प्लान बनाया अभी, तो अभी गेड़ी पे चलेंगे हम थोड़ा। सो आई थिंक फाइनली शायद वो आ गया है। वो नहीं आया, ये नहीं है। मुझे सारी टोयोटा कार्स उसी की क्यों लग रही है। जैसे ही वो आएगा तो आपको मिलवाता भी हूँ, फिर आगे गेड़ी पे भी जाएंगे। फिर उसके बाद उसने जिम भी जाना है, तो शायद ये थोड़ी क्विक गेड़ी हो, मतलब बहुत जल्दी हम गेड़ी गुड़ी मार के निकल लें। बट आगे जाके कुछ और प्लान्स चल रहे हैं हमारे, कुछ ट्रिप भी प्लान हो रही है। एंड इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीम ट्रिप, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। तो आगे जाके आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि वो ट्रिप कहाँ की होगी, मैं इस ब्लॉग में नहीं बताने वाला। A few minutes later. तो फाइनली अभी उसका कॉल आया कि वो पहुँचने वाला है, तो मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा, बट देखते हैं किधर है। इनोवा में आया है, शायद यही आया हुआ है। एंड ही इज देयर। अरे जतिन भाई, मैंने कल बताया था, बढ़िया भाई बढ़िया। भाई ये कह रहे हैं कि भाई आपके ब्लॉग से आते नहीं, चलो मैं ही ब्लॉग बना लेता हूं आपके नाम पे, कंटेंट के ऊपर व्यूज तो आ जाएंगे। व्यूज तो कंटेंट यहीं से पूरा आएगा, कंटेंट मेरा रह जाएगा अगर ब्लॉग नहीं किया मैंने। बिल्कुल ब्लॉग डालियो भाई, तू मेरी तरह मत बनो भाई। भाई वैसे यही हो रहा है, ठीक है। उधर पारितोष अबू धाबी की सीरीज डाल रहे हैं, उसके ब्लॉग के अंदर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और उन्हें राजस्थान डाल रहे हैं, उसमें कर रहा हूँ भाई। अब पूर्व वासे वीतम डाल रही है उस व्लॉग्स में भी, मैं ही बकवास कर रहा हूं। मेन कैरेक्टर मैं ही हूं, मेन कैरेक्टर मतलब व्लॉग्स में नहीं डाल रहा है यार। स्टारिंग ये है पर व्लॉग्स नहीं आ रहे बिल्कुल। हाँ, भी अब इसके व्लॉग में देखो मैं ही। इधर से भी मैं व्यूज पेलने वाला हूं। गलत सीन हो रहा है भाई मेरे नाम पे। भाई सबको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कोई नहीं भाई, हमारे व्लॉग्स आने वाले, सब जाके सब्सक्राइब करो। हां मैंने पहले बोल दिया कि नीचे जा, मैंने शेयर भी कर दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। भाई ने कहा गेड़ी मारने चल रहे, तो मैं भी बोर हो रहा था, मैंने कहा चलो गेड़ी पे चलते हैं। मैं बहुत पहले नहीं कहा लेके आ गए भाई, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ये भी रास्ता देखो कौन सा है, रास्ता ही नहीं मिल रहा कहाँ जाना है। पर हमने मैप्स में लगा रखा है। नहीं लगा रखा भाई, बता अभी भी नहीं लगा रखा। मैं भी इधर के रास्ते भूला नहीं हूँ, मतलब ये रास्ता मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक जिंदगी में। बातें करते करते हम बिल्कुल आगे आ गए हैं, पता नहीं किधर आ गए हैं भाई। इधर से बातें करते करते स्वीति निकल चले, सीधे कहा स्वीति जाने के चले। अबे जग्गी यहाँ से 22 मिनट दिखा रहे हैं भैंस की टांग। 22 मिनट? हाँ भाई, भाई ज्यादा ही आगे आगे। चलो भाई सबको अभी गिवे के लिए बुला लो। नहीं मतलब वो गिवे वाली को अभी बुला लो ना, अभी चलते हैं। अभी चलते हैं स्वीति, वो मैंने पहले ही बता दिया, मैं तो कह रहा था कि बाद में बताऊंगा। आगे जाके आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कि वो ट्रिप कहाँ की होगी, मैं इस ब्लॉग में नहीं बताने वाला। कट कर दो। थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, तो मैं घर से जब निकला तब बारिश होने रही थी, पर इधर आके मैं भीग गया था। फिर थोड़े ना आगे आके जग्गी के पास आके ना बिल्कुल बारिश रुक गई थी, तो उसके बाद मैं सूख गया, हवा से जल्दी जल्दी सूख गया। अभी ना इधर एक MG आई थी, बिल्कुल सेम बंदा, सेम ऐसे दिख रहा था। अच्छा। मैं कहा यार ये जतिन भाई इधर कहाँ से आ गया, मैं उधर से हाथ दे रहा था, फिर देखा कि उसकी तो दाढ़ी बहुत बड़ी थी। मैं कहा नहीं ये मेरी भी ठीक ठाक है भाई, हेलो। नहीं नहीं उसकी बहुत बड़ी थी, बहुत मेरे से भी बड़ी थी। तो मैंने कहा ये तो अनुन ने सबको बता दिया, मैं इस पे घूमता भाई, या तो मैं नोवा पे घूम रहा था या वरना पे घूम रहा था। कल मेरे को लग रहा था फॉर्च्यूनर है, लिटरली मेरे को लग रहा था। अरे फॉर्च्यूनर पुरानी वाली है, उसमें ये स्टीयरिंग नहीं है, वो पुरानी फॉर्च्यूनर है। कल ये वाली गाड़ी थी जब मैंने स्टोरी डाली। अच्छा। शाम को मैं घूम रहा था, मौसम सुहाना था, तो अपना टाइम चल रहा था, तो मैं फॉर्च्यूनर घूम रहा था। ओके 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 ब्रो, मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं आगे ट्रिप पे, ओके बाय। तो अब जतिन तो चला गया, तो हम BMD घर निकलते हैं। तो फाइनली अभी बस चिंटू के घर पे आया था, बिकॉज आज थोड़ा काम भी था घर पे। एंड आज रात को फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे शुरू हो जाएगा,
तो देखते हैं कुछ ऑर्डर वॉर्डर भी करेंगे। ये है द फ्लिपकार्ट का द बिग बिलियन डेज। सबके प्राइस रिवील हो गए हैं, बस आईफोन का ही नहीं रिवील हुआ है। क्यों नहीं हुआ, बस जिस चीज़ का वेट है ना आईफोन 13 जो इस भाई साहब ने लेना है वो लॉक पड़ा है, तीनों लॉक पड़े, बाकी सब खुल गया है, बाकी सब खुल गया है, सिर्फ आईफोन लॉक पड़ा है। इफ जिंदगी के लगना हैड अ फेस। क्या बात है, यहाँ पे फोन में भी फ्लिपकार्ट चल रहा है, लैपटॉप में भी फ्लिपकार्ट चल रहा है, पासबुक पड़ा है, इतने सारे फोन पड़े, कार्ड पड़ा है, बंदा बिता भी बहुत है। मतलब फोन अगर ना भी इसको मिला ना, पर इस चीज के लिए तो इसको बोलना पड़ेगा भाई तूने पूरी रिसर्च करी है, पागल हो गया बंदा। भाई हमने ले रहा है जैसे 12 एक बार ठक 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 भाई, जितने का भी ले लेना पानी, जितने का भी हो। नहीं 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 माता तो 70 बैच के, नहीं नहीं 50 का, 50 का हो गया, ऑर्डर हो गया। तो फिर यार उसके बाद मैं सीधा इमीजिएटली घर पे आ गया, बिकॉज बहुत तेज बारिश हो गई थी एंड मैं पूरा भीग गया था। अब फिर मैं नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि उस टाइम बिल्कुल गीला हो गया था, एकदम से बारिश शुरू होगी, पता नहीं कैसे शुरू होगी, मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया था फिर एकदम तेज बारिश शुरू होगी। तो मैं जल्दी से घर आ गया, फिर कपड़े वगैरह चेंज करे। अभी मेरा घर पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम है, अभी रुक गई है बारिश एंड मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखता हूँ अभी मैं कहीं बाहर ही निकलता हूँ क्योंकि अभी मेरा घर पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं है। तो जैसे कि अभी मैं कह रहा था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा, तो अभी मैं आ ही चुका हूँ, मुकुल के साथ आया हूँ क्योंकि घर पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब पहले जतिन के साथ भी गेड़ी मारी थी, पर फिर अभी फिर गेड़ी मारने का मन कर रहा था, अभी मुकुल के साथ गेड़ी पे आ गया। तो अभी हम आ चुके हैं बढ़िया शॉपिंग करने, शॉपिंग दो घंटा है, यहाँ टाइम पास करने आया है, कुछ पक्का ले लेगा ये। अभी देखो किस पे हाथ मार रहा है, यही है गंदा आदमी। बढ़िया प्याज सस्ते हो गए हैं, 20 रुपये किलो हो गए हैं, तो ये कह रहा है कि पेटी भर के ले चलेंगे। शादी होने के बाद ना इसकी बीवी बहुत खुश होएगी इससे। आलू के लिए मम्मी से पूछ रहा है, अभी मम्मी को पूछ रहा है, बाद में बीवी को पूछेगा, बेबी आलू लेके आने या फिर ऐसे ही आलू लेके जाएगा। गाइस अभी बढ़िया कट्टे कट्टे बचाए हमारा, हमने एक निविया का शैम्पू लिया था, बाद में देखा वो नीचे से टूटा हुआ था और लीक कर रहा था, तो बढ़िया बचाया हमारा कट्टे कट्टे। नहीं तो इसका कट्टा मैंने थोड़ी लेना था, इसका कट होता। अभी शेजवान सॉस ढूंढ रहा है स्ट्रेट फ्राई सॉस भाई, ये नीचे आग लग जाएगी, बूम। ये प्योर पूरी तीखी है ये। अभी भाई तीखी वाली लेना, आग लगाना जो थोड़ा। ये देखो गाइस मेरे पास, अगर तुम्हें कहीं ग्रोसरी स्टोर में कोई चीज खुली दिखे ना तो समझ लो मुकुल वहां से निकला हुआ है। देखो खा गए, कोई और चख लिया, झूठ बोलता है मेरे सामने, झूठ बोल रहा है, व्लॉग में सब कैप्चर हुआ है, झूठ बोलता सर। ये देखो वापस उसने रख दिया, वापस रख दिया, मेरे पास सबूत है पूरा, अब उसने ये चख लिया, अब ये भी टेस्ट करके रख देगा, फिर वो चख के लेके आएगा, अब वापस जा रहा है उठाने, अब कोई और चख के लेके आएगा, लेकिन वो नहीं उठाएगा, पक्की बात है वो नहीं उठाएगा, कोई और उठाया अभी इसने, वही है भाई। ये था वो साले, झूठ बोल रहा है मेरे, ये चख वापस चेंज करा ना, तुम देखियो फिर बहुत पड़ेंगे तेरे साले, गद्दे गद्दे पड़ेंगे। तो बढ़िया शॉपिंग हो गई हमारी, मत सारा खाने पीने का सामान ले लिया, पार्टी करेंगे अब बैठ के, बिल्कुल पार्टी, मजाक कर रहा हूँ, पार्टी नहीं करेंगे। ओए कल तेरी छुट्टी है ना, मंडे है, तो बना प्लान, फिर क्या खाएगा साले, प्लान बनाना खाना होता है, तो बोल क्या खाना होता है, परफेक्ट मेन्यू तो चेक करना पड़ेगा, कहीं भी जाएंगे मेन तो खाना होता है। देखो मैंने कहा था ना इसकी बीवी इससे बहुत खुश होगी शादी के बाद, पक्का ऐसी सब्जियां खरीदेगा तो मम्मी भी खुश है और फ्यूचर में बीवी खुश रहेगी। तो अभी मौसम थोड़ा ठंडा सा हो गया है, वैसे बारिश नहीं हो रही है पर थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। अभी घर आ गया मैं और बढ़िया नेटफ्लिक्स एंड चिल करूंगा, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड डे टू यू।